नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। नमस्कार, मैं दुर्गेश और आपके लिए आज एक और वीडियो लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। तो ये एक सैमसंग का G7 मॉडल है, इसकी FRP हटाएंगे, चुटकी में हटाएंगे, बहुत ही ईजी तरीके से इसकी FRP हटाएंगे। ये सैमसंग का J7 मॉडल है, गैलेक्सी J7, तो इसमें FRP है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी FRP दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ अभी जाके आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, चेक करते हैं इसमें FRP लगी है कि नहीं लगी है। नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, इसकी FRP लगी हुई है, मतलब ये FRP पे सेट है। अब इसको मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसकी FRP हम चुटकी में हटाएंगे, एकदम एक सेकंड, मतलब एक मिनट के अंदर इसकी FRP हम हटा देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक और शेयर करें, जिससे हमारे चैनल को जैसे ही आपके वीडियो डले, मेरे वीडियो डलेंगे, वैसे आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपके वीडियो मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। मैं इसका मॉडल एक बार और अंदर से खोल के दिखा देता हूँ आपको फ्रेंड्स। चलिए तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते होंगे सैमसंग J7 तो है, पर J700F है, DS ये मॉडल है, जिस सैमसंग J7 J700, इसके FRP आएंगे। चलिए अपने PC पे चलते हैं और वहाँ से आपको सारी चीज़ें यहाँ से करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, एक सैमसंग का फ़ोन है सैमसंग J7, इसके FRP आएंगे, चुटकी में हटाएंगे। तो उसके लिए हम UMT यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। आप ज़्यादातर देखते हैं मैं UMT यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक छोटा सा डोंगल है, ये सिंपल सा डोंगल है, इसको चलाने में, ऑपरेट करने में बहुत ही सिंपल सा टूल है। इसमें बहुत सारे सपोर्ट दिए हैं आपके MediaTek, Qualcomm, MI के बहुत सारे ऐसे सपोर्ट है, इसलिए मैं इस टूल को बहुत यूज़ करता हूँ। UMT बहुत ही बेस्ट टूल है, अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो इसे भी परचेज़ करिए, बहुत अच्छा टूल है ये। तो आज सैमसंग के FRP हम UMT टूल से हटाने वाले हैं, जो कि 1 से 2 मिनट के अंदर इसकी FRP, 1 मिनट के अंदर इसकी FRP रिमूव हो जाएगी। तो चलिए, जब से ये ओपन हो रहा है तब से मैं एक अपडेट कर दूँ आपको। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्ट टेलीकॉम को, तो अब जाइए और स्मार्ट टेलीकॉम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो पे जाते हैं। अभी तक हमारा सेटअप हमारा खुल चुका है फ्रेंड्स। अब फ़ोन को हमें इसमें मॉडल ले लेना है, सैमसंग ले लेना है, सैमसंग। अब इसमें फ्रेंड्स, जैसा हमारा ये J7 फ़ोन है, कौन सा फ़ोन है फ्रेंड्स, J7, एक मैजिक दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, मैं मॉडल ले रहा हूँ J2। अब इसको आप इजीली तरीके से एक क्लिक में आप FRP हटा सकते हैं, ये एक मैजिक है, एक ट्रिक है। अब आपको फ़ोन को डिवाइस मैनेजर भी खोल के रखना है साइड में, जिससे कि आपका पोर्ट शो हो। तो इसको डिवाइस में आपको पोर्ट बनाने के लिए डाउनलोड मोड पर लाना होगा। तो डाउनलोड मोड लाने के लिए आपको पता ही है, वॉल्यूम डाउन और होम बटन और आपका पावर की। अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा फ़ोन को, आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडम पे हमारा पोर्ट बनाएगा। तो सैमसंग USB पोर्ट हमारा बना चुका है। अब हमें इसे इजीली FRP रिसेट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। FRP रिसेट पे क्लिक किया, ये हमारा ड्राइवर डिटेक्ट हो चुका है, फाउंड डिवाइस मोड हो चुका है फ्रेंड्स, ये हमारे डन हो चुका है। FRP रिसेट ओके हो गया है, ये डन हो गया, रिसेट हो गया, ये हमारी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। तो आई होप ये 1 मिनट से भी कम लगा होगा फ्रेंड्स। अब मैं आपको डाटा केबल में लगाई हुआ है, मैं आपको फ़ोन को दिखा के, हमने देखा सक्सेसफुली हमारा UMT से FRP तो रिमूव हो गया था फ्रेंड्स। अब इसे देखते हैं कि FRP हमारी हटी कि नहीं हटी फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन आ चुका है, मतलब FRP रिमूव हो गई है फ्रेंड। तो हम फ़ोन को पूरी तरीके से ऑन कर लेते हैं, आपको कोई भी वीडियो हमारे चैनल में फेक नहीं बनता है फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको अनटिक करना है, नेक्स्ट करना है, स्किप एनीवेज करना है, नीचे करना है, नेक्स्ट, उसके बाद फिर से नीचे, नेक्स्ट, स्किप, उसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट करना है फ्रेंड्स, लेटर कर दीजिए आप, उसके बाद फिनिश, उसके बाद देख सकते हैं फ़ोन हमारा देखिए फ्रेंड्स ऑन हो चुका है, बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल ट्रिक से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वही फ़ोन था जो हमने दिखाया था, J7 का फ़ोन था फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप अगर आपने लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो, अगले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। थैंक यू सो मच।